हेलो दोस्तों, ये पार्ट रह गया था 2013 का, ये मैं सॉल्व कर रही थी। अभी 15 क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किए हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास था 16th क्वेश्चन। हाँ जी, 16th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, आईक्यू स्कोर आर जनरली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है, हाई रिलेटेड होता है, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब है हाई एजुकेशन या अचीवमेंट, तो ऑब्वियस है वो हाईली है। आगे है, इफ़ ए चाइल्ड हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 5 ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर, देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड। तो सबसे पहले आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आईक्यू का फॉर्मूला है हमारे पास मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इस फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 5 मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज 4 है। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, 5 मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ऐसे हमारे पास सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये है, इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये है इसका करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द जीन प्याजे। अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया आपको कि सेंसरी मोटर जो है बर्थ टू 2 ईयर तक चलती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ये है एज पर द कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही है, और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये कोहलबर्ग का आपको पूरा बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग ए टीचर टीचर्स अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर इंस्ट्रक्शनल प्लान इन ए फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ने। कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है वो किस वे में पढ़ाता है, एक फ्लेक्सिबल वे होता है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग। आगे है, 3 डोमेन ऑफ लर्निंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा 3 डोमेन्स कौन से होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटरिंग। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर कॉन्टेंट मैटर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, एज राजेश लव टीचिंग सो ही टीचर्स चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड ऑन एवरी संडे, ही इज़ मोटिवेटर। उसने बोला कि राजेश जो है राजेश को पढ़ाना बहुत पसंद है, और वो एवरी संडे को अपने जो नेबरहुड के बच्चे हैं उनको पढ़ाता है। तो अभी से वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से मोटिवेटेड, उसको किसी ने बाहर से मोटिवेट नहीं किया है। नेक्स्ट है, एज ए स्कूल गिव प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग टीम फॉर स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन रिफ्लेक्ट। कि स्कूल जो है प्रेफरेंस दे रहा है गर्ल्स को, बॉयज़ को नहीं दे रहा है, कि स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन है सिर्फ गर्ल्स को। इसका आंसर है जेंडर वाइज, मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव, कि लड़कियाँ गा सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते ये। नेक्स्ट है, व्हेन ए टीचर हेल्प हिज हर लर्नर इन लिंकिंग द नॉलेज दे हैव ड्राइव्ड इन वन सब्जेक्ट एट बट द नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरिया। कि जब एक टीचर जो हेल्प कर रहा है अपने लर्नर को अपनी नॉलेज को किसी दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, तो वो है कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है, जिसकी वजह से नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है डेवलपमेंट को शेप करने में हेल्प करता है, कल्चरल एंड लैंग्वेज, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, मींस फिजिक्स में हेल्प नहीं कर सकता एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट है, ए पर्सन इज नाइदर बोर्न टू बी नॉर मेड बट ही इज रेदर ही इज प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड सोशल हेरिटेज। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ, ये है हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, मतलब दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नेक्स्ट है, मीना एंड रीना आर दो बहनें हैं। मीना जल्दी पढ़ लेती है जबकि रीना जो है थोड़ा टाइम लगाती है। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि दो बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है गेस्टाल्ट थ्योरी, इनसाइड थ्योरी जो है गेस्टाल्ट ने ही दी है। तो फ्रेंड्स, ये 2013 का पेपर सॉल्व हो गया है हमारे पास पैडागोजी का। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने ये
डिसऑर्डर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पीछे जो मेरी प्रीवियस वीडियो डाली है मैंने पेडागोजी से रिलेटेड उसे देखे यहाँ पर, तो आपके सारे के सारे ये जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद मैं 2014 का पेपर डालूंगी जो मेनली पेडागोजी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने सबसे पहला टॉपिक पेडागोजी ही पकड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और ये 30 नंबर का होता है, तो 30 नंबर बहुत होते हैं HP TET क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।